वेट वेट वेट, वीडियो शुरू होने से आई वुड लाइक टू टेल कि इस वीडियो में कोई भी हेट्रेड नहीं है किसी के प्रति। मैं बस अपना व्यूज प्रकट करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि जिंदल भैया ने क्या गलत बोला है। मेरे पास बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं, उनको भी दिखाऊंगा। प्लस इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करना। मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूँ, पर दिस वीडियो नीड्स टू गेट शेयर टू ऑल दोस स्टूडेंट्स जो ऐसे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर से या पर्टिकुलर IITian से, टू बी ये मेन थिंग या टू बी प्रिसाइज। प्लस हाँ, वीडियो को पूरा देखना तभी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो बाउंसर चल जा सकता है। ठीक है, वॉच नाउ। तो कैसे हो मेरे प्यारे JEE एस्पिरेंट्स, या थोड़ा प्रिसाइज बोलूँ तो कैसे हो PW से तैयारी करने वाले JEE एस्पिरेंट्स। कल जिंदल जी ने कुछ कमेंट किया था PW के ऊपर, उसके बाद करीब करीब 10-15 बच्चों ने मेरे को पर्सनल मैसेज टेलीग्राम पर बताया कि मुझे डाउट होने लग रहा अपने प्रिपरेशन के ऊपर। जिंदल भैया ने ऐसा कमेंट कर दिया कि PW के जो मॉड्यूल्स हैं वो बोर्ड लेवल भी नहीं है, मेंस तो छोड़ो। कुछ बच्चे बोल रहे मेरे को RSNN शिफ्ट हो जाना चाहिए, LN शिफ्ट हो जाना चाहिए, अच्छा नहीं है, डाउट करने लगे। ऐसा सीनियर एज अ कलीग या एज अ IIT नहीं बोल दो, IIT दिल्ली के वो भी स्टूडेंट रहे हैं, आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। पर मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद अपने ही बच्चों से बात किए गए पर्सनल मैसेजेस दिखाऊंगा, लाइक शेयर करूंगा कुछ पार्ट्स, जिससे आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या शेयर करा मुझसे और उनका क्या व्यूज है इसी के ऊपर। आई विल बी ऑनेस्ट, ये जो पेड अनअकैडमी और पेड PW के जो ये होते हैं इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो तारीफ करते हैं अपने कोचिंग के, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये एडमिशन ले लो, इतनी छूट मिलेगी, इतनी ये मिलेगी, मैं इनमें से कहीं किसी में नहीं हूँ। आई एम अ ट्रू एडमायरर ऑफ द टीचर्स जो पढ़ाते हैं। मैंने अनअकैडमी पे भी कुछ क्लासेस ली हैं, मैंने PW पे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अलग सर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। पर ऐसा नहीं है कि कुछ गलत होगा तो आई विल एक्सेप्ट इट, और मैं ऐसा बिलीव करूंगा कि मैं एकदम पर्सनल ब्लाइंड फॉलोअर हूँ। तो थिंग इज, अगर मैं ऐसे बेसिक डिफरेंस में बताऊँ तो हाँ, अनअकैडमी के में जो क्लासेस मैंने ली थी, मैंने मॉड्यूल्स किसी के सॉल्व नहीं करे, ना PW के करे ना अनअकैडमी के करे हैं, मैंने केवल अपने फिजी के मॉड्यूल से सॉल्व करे, दैट वर टू गुड। थिंग इज कि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं, कि हम IITians गॉड नहीं होते, वी IITians आर नॉट गॉड। सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, सबके अलग अलग प्लानिंग्स होते हैं, लेकिन अगर आप उससे इन्फ्लुएंस होकर के सेम चीज़ करना चाहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। जो जिंदल जी हैं हमारे, आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। उनकी पर्सनल चॉइस थी 247 रैंक पे, उन्होंने मैकेनिकल ब्रांच चूज कर लिया। पर्सनली अगर मेरी 247 रैंक आती तो मैं MT1 ब्रांच चूज करता, MNC ब्रांच टू बी प्रिसाइज, या किसी IIT में CS ब्रांच ले लेता। अभी वो स्टार्टअप कर रहे हैं, दैट इज ऑल हिज। लेकिन हाँ, ये पेड काम करना कि PW का बोर्ड लेवल भी नहीं है, मेंस का लेवल भी नहीं है, आई डू अग्री। कुछ बच्चे क्या, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि PW इज अ न्यू कोचिंग, वहाँ के टीचर्स बहुत मस्त हैं। मैंने पर्सनली पढ़ रखा है, JEE एडवांस लेवल तक पढ़ रखा है, वहाँ के टीचर्स आर टू गुड, मतलब टू डैम गुड। वो पर्सनल लेवल पे मेरी तो बहुत सारे टीचर्स से अभी भी बात होती है, कुंदन सर, विनयकांत भल्ला सर, सर्विस सर से भी बात हुई है, पंकज सर वगैरह से नहीं बात हुई, लेकिन फिर भी आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, क्योंकि उन्होंने अपना नॉलेज शेयर कर रखा है। और PW गिव्स चांस कि आप मेहनत करके ला सको। देखो, कोचिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं होता जब तक आप अपने दम पे और अपने इस पे हार्डवर्क और डेडिकेशन नहीं देंगे, नहीं होगा। द मेन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल ना, कि कुछ भी, कोई भी लोग, जैसे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैंने ऐसे 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 प्रिपरेशन करी, मैंने ऐसे 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 तैयारी करी, यू शुड नॉट फॉलो देम ब्लाइंडली। प्लस अगर कोई बुक रिव्यू करता है, कोई ये करता, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। आपको लगता है कि PW का मॉड्यूल सेन अपनी गो एंड सॉल्व PYQ शुड बी योर स्टैंडर्ड लेवल, उससे ऊपर जाने की जरूरत मेरे को नहीं लगता। हाँ, जाओ सॉल्व करो, सॉल्व 1000 क्वेश्चंस, सो दैट यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस इन दैट 3+3 6 आवर्स पर्टिकुलरली। पर ये ब्लाइंडली फॉलो कर लेना किसी को कि हाँ चलो, इस फलाना ढिमकाना ने ये बोल दिया, अब ये सीनियर ने या ये IITian ने या ये इसने इस बुक के ऊपर, इस कोचिंग के ऊपर कमेंट कर दिया, तो आई वुड नॉट फॉलो इट, बिकॉज
उन्होंने नहीं करा। देखो जिंदल जी को मैंने भी फॉलो करा था, उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए कि उन्होंने 4 महीने में 16 घंटे 18 घंटे पढ़ के, पर क्या वो सच हो सकता है? आई डोंट नो प्रिसाइजली कि सच हो सकता है या नहीं हो सकता, वो उनकी थी। हो सकता है उन्होंने 18 घंटे पढ़ लिया पर आप नहीं पढ़ पाओगे, हो सकता है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, हो सकता है आई रिक्वायर यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 ईयर्स टू प्रिपेयर इट। मैं 4 महीने में जो ही नहीं निकल पाऊंगा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बेसिक फंडा जो मैं बताना चाहता हूँ ना, वो है कि डोंट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली। हाँ, जो बच्चे, अभी मैंने अपने दोस्तों से बात करी कि ये बात हो रहा है, बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि पीडब्ल्यू से प्रिपेयर अब लग रहा है कि नहीं होगा, अब रैंक मेरी अच्छी नहीं आएगी। मेरे दोस्त ने सीधा सीधा एक लाइन बोला, जो बच्चे किसी भी चीज को लेकर जल्दी इन्फ्लुएंस कर जाते हैं उनके लिए आईआईटी नहीं बना है, सिंपल सा बात है। ही हैज मोर देन 100K सब्सक्राइबर्स, टू बी ऑनेस्ट मैंने कल देखा था 133K। अगर जिंदल भैया आप ऐसे कर रहे हो कि 1 लाख बच्चों को आप ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो हैव अ गुड मोटिवेशन और हैव अ गुड एग्जाम्पल कि आप ऐसे कर रहे हो। आप अन अकेडमी पर जा करके उसका प्रचार कर रहे हो, पीडब्ल्यू का ये कर रहे हो, दूसरे प्लेटफॉर्म्स का ये, सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे होते हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, थिंग इज कुछ बुक्स अच्छे होते हैं, कुछ बुक्स अच्छे नहीं होते हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, चिंता ना करो। वो मेंटर और टीचर है अनअकैडमी के, तो पीडब्ल्यू के ऊपर वीडियो बनाना डिमांड होता है, और उनका रिव्यू मॉड्यूल नेगेटिव में सुनकर मुझको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। हाँ, मैं पीडब्ल्यू एन नहीं हूँ, पर फिर भी निशान जिंदल जो ने जो लिखा वो गलत है। पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स उतने ही बुरे नहीं है। और हाँ, निशान जिंदल बोलते नोट्स नहीं बनाओ, एचसीवी नॉट सफिशेंट है, वो गलत है। मैं बहुत लकी फील करता हूँ आपको जान सकता था, नहीं तो मेरे को कितने पैसे भरने पड़ते मेंटरशिप और फैसिलिटी के लिए। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई से ज़्यादा माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, डेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो ये सारे जेन्युइन मैसेजेस थे जो मेरे को आए थे, पॉज करके पढ़ सकते हो, नहीं तो मैंने कॉन्टेक्स्ट वॉइस ओवर में दे रखी है, उसको समझ लो और आगे का वीडियो देखो। डोंट बी इजली इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी वन, सबसे 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 बड़ा फंडा ये है। रिसर्च करो अच्छे से, मेरे से पूछ लो ना पर्सनली, सब चीज बताऊंगा। मेन थिंग, मेन गोल है आपका आईआईटी निकालना, उसके अलावा बाकी सारे जाए फाड़ में।